स्टार्ट करते हैं। देखो अभी हमें क्या करना है कि इसका कोड लिखना है कि किस बटन पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, वैलिडेशन एंड ऑल जो भी कोड होगा वो सारा अभी हमें कोड लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कि सबके नाम पहले बदल दो। आप क्या करो सबसे अच्छा कि सब पे राइट क्लिक करो इधर। अच्छा एक बटन मैंने यहाँ नहीं लिया, एक प्रिंट नाम का बटन भी चाहिए था मुझे, तो जो वो बटन मैंने अभी तक यहाँ लिया नहीं है, कहाँ गया, मुझे एक बटन यहाँ ले लेना चाहिए था। सिग्नेचर को थोड़ा ऊपर कर दूँ क्या, इधर कर दूँ, हाँ ऐसा सही रहेगा। अरे नहीं ये तो ऐसे ही सही है। उसके बाद यहाँ पे एक बटन ले लूँ, बटन का किधर है ऑप्शन, यहाँ पे, और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ प्रिंट। अरे कोड कैसे ओपन हो गया, रुको मैंने डबल क्लिक कर दिया उसके ऊपर। तो आप इस तरीके से राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ में जाओ और इसका नाम क्या रखना है आपको, प्रिंट, कि आप प्रिंट करना है और इसके फॉन्ट को चाहिए तो थोड़ा बोल्ड भी करा दो, और कोई और दूसरा फॉन्ट रखना तो आप रख सकते हो। और ये तो इटैलिक जैसा दिखेगा, कोई भी ले लेता हूँ, थोड़ा भी चल जाएगा, थोड़ा साइज़ बढ़ा देता हूँ बस, देखो ओके चल जाएगा ना ऐसा बटन। तो यहाँ पे प्रिंट बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसको कैसे भी अपने हिसाब से दे सकते हो, सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। अभी क्या करो, ये सबका नाम आपको ध्यान में रखना है, राइट क्लिक करो, रिसिप्ट नंबर है ना ये, क्या है लेबल है ना, तो एक काम करो प्रॉपर्टीज़ में नहीं जाएंगे, थोड़ा राइट क्लिक करो और एडिट टेक्स्ट ना, चेंज वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम का क्या नाम है, जे लेबल 8, क्योंकि हमें अगर प्रोग्राम में यूज़ करना है तो जे लेबल 8 यही वाला याद नहीं रहेगा, फिर ये वाला लेबल कौन सा, ये वाला लेबल कौन सा, ये सब याद रखना पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम मैं रख देता हूँ लेबल LBL और इसका नाम रख देता हूँ रिसिप्ट रिसिप्ट याद रखने के लिए नंबर नम, ओके इसका ये नाम रखा, फिर इस पर भी राइट क्लिक करता हूँ, आप भी ऐसे ही नाम देने हैं आपको भी। उसके बाद इसका नाम दे देता हूँ मोड ऑफ पेमेंट ना, तो LBL यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, मोड पेमेंट रख दूँ क्या, सिर्फ इतना बड़ा ऑफ लिखने से, अच्छा ठीक है लेबल मोड पेमेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे दो है, रुक जाओ इसको कुछ नाम दे दो, क्या है DD नंबर है ना, तो DD नंबर को दे देता हूँ LBL DD नंबर DD नम, ओके। उसके बाद यहाँ पे चेक नंबर है LBL एडिट टेक्स्ट चेंज वेरिएबल नेम LBL और यहाँ लिख देता हूँ चेक नंबर CHEQUE नम, बस ओके। और इसको वापस से इसके ऊपर रख देता हूँ, अभी तो काम हो गया मेरा। अब दोनों में से एक दिखना चाहिए, जब DD पे क्लिक करोगे तो DD नंबर ही दिखना चाहिए, चेक नंबर नहीं दिखना चाहिए, और जब आप बैंक पे क्लिक करोगे तो बैंक नंबर, चेक पे क्लिक करोगे तो चेक नंबर और बैंक नेम ही दिखना चाहिए, वो तो हम कर ही लेंगे, और जब कैश पे क्लिक करो तो ये दोनों नहीं दिखना चाहिए, ये भी हम करेंगे इस कोड में, हम ये भी समझने वाले हैं। चेंज वेरिएबल नेम और उसके बाद यहाँ पे क्या लिख दूँ, बैंक नेम ना LBL और यहाँ पे बैंक नेम, प्रॉपर लिख के रखोगे तो क्या होता है थोड़ा सा बाद में आसानी होती है आपको, इसके लिए ये सब मैं लिख के रखा हूँ। कोर्स है ना, अब जैसे जितनी अभी ज़रूरत है उतना मैंने यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, इतना पार्ट ऊपर वाला लिख लेते हैं। इसका नाम क्या है, डेट, यहाँ पे, अरे मैं इसमें क्यों जा रहा हूँ, इस पे राइट क्लिक करो, चेंज वेरिएबल नेम लेबल LBL डेट, सबका करके रख दोगे तो भी कोई इशू नहीं है वैसे, भले आप काम भर वालों को ही यूज़ करो, सबको मत करो, करने में क्या जाता है, ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। LBL GST इन, ओके हो गया, यहाँ तक तो रेडी है। एक काम करो इसके टेक्स्ट वाले को भी बदल दो, वो भी बदलना पड़ेगा, टेक्स्ट है ना TXT रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट नम ऐसे नाम मैं दे देता हूँ। दूसरा वाला क्या है, कॉम्बो है ना ये, तो वेरिएबल नेम, चेंज वेरिएबल नेम और इसका नाम दे देता हूँ कॉम्बो, और ये मोड ऑफ पेमेंट है ना, कॉम्बो मोड ऑफ पेमेंट, मोड पेमेंट कर देता हूँ जैसे मैंने पिछला किया था सेम वैसे ही कर देता हूँ, ये भी यहाँ पे ये भी करा दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे भी पहले क्या है, रुक जाओ, इधर भी दो लोग हैं देख लेना, एक, अरे ये एक ही है,
इधर भी दो फील्ड आएगी, आ गया। डिज़ाइन किधर है? इधर है। बैंक नेम तो चलो एक ही है, इधर दो आएगा। इसको कॉपी करो, फिर से पेस्ट कर दो, दो हो गया। एक का डीडी नंबर नाम है ना, रुको राइट क्लिक करो, चेंज वेरिएबल नेम, तो इसका टीएक्सटी डीडी नंबर दे दो, इसका नाम डीडी नम। ओके कर देता हूँ यहाँ से। इसको दे देते हैं चेक नंबर, टीएक्सटी चेक नंबर, टीएक्सटी चेक नम। और उसके बाद ये क्या है, चेंज वेरिएबल नेम, बैंक नेम, टीएक्सटी बैंक नेम। आसानी होगी समझने में, बस इसको इसके ऊपर डाल देता हूँ अभी के लिए, देखा जाएगा बाद में जैसे भी होगा। ये सेव तो कर ही रहा हूँ मैं, और इसका कुछ नाम रखना, डेट ही रखना, इसका तो कोई ज़रूरत ही नहीं। चेंज वेरिएबल नेम, और इसको बोल देता हूँ डेट। ओके टी एक्स टी डेट लिख दो, नहीं जाने दो, डेट लिख दो, डेट चूज़र लिख दो, चलो डेट सी बस। ओके और इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको रहने ही देता हूँ, बस यहाँ तक हो गया। अभी कोडिंग का पार्ट है, आपको ये सब यहाँ पे फिल करना है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये आपको कॉम्बो दिख रहा है ना, इस पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ में जाओ। एक चीज़ यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ क्या लिखा है, सिलेक्टेड इंडेक्स ज़ीरो लिखा हुआ है। इस ज़ीरो का मतलब क्या है, सबसे पहला इंडेक्स कौन है। मतलब आप देखो डीडी जीरो नंबर पे, कैश वन नंबर पे, फोन पे टू नंबर पे, और चेक तीसरे नंबर पे। तो फोन पे की जगह आप बैंक भी कर सकते हो, ठीक है फोन पे रहने देता हूँ अभी, कोई इशू नहीं। डीडी चेक फोन पे और कैश, ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो 0, 1, 2, 3 ये इंडेक्स नंबर होते हैं जनरली। और इस समय कौन सा सेट है, जीरो नंबर वाला। आपको कौन सा सेट करना है, वन नंबर वाला, कैश ना, तो इधर वन लिख दो, हो गया। सेव किया, एंटर बटन जैसे ही दबाया, सिलेक्टेड आइटम क्या आ गया, यहाँ पे कैश आ गया, ये आप देख सकते हो। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, तो अब देखो क्या दिख रहा है, कैश। तो ये आप सेट करके रख सकते हो कि जनरली कैश ही दिखाई दे, ऐसा भी आप चाहो तो कर सकते हो। और इतना पार्ट ना दिखाई दे, जब कैश पे सिलेक्ट किया जाए तो क्या ना दिखाई दे, रुक जाओ, इवेंट्स और एक्शन। तो अभी अगर आपको कैश पे क्लिक करने पे, कैश जब सेट रहेगा तो ये सब चीज़ें विजिबल नहीं होनी चाहिए। मतलब ये इसके ऊपर है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग, 6 चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए। कैश तो कैश, मतलब ये ऊपर का दो लेबल, दो टेक्स्ट फील्ड, 4, 5 और 6 ये नहीं दिखना चाहिए जब कैश पे सेलेक्ट रहे। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो अभी, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैसे भी कैश सिलेक्टेड ही है ना, तो रन करोगे तो ये सिलेक्टेड रहेगा, ये चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए। मतलब अगर इस क्लास को रन करोगे तो कंस्ट्रक्टर चलेगा। किधर है कोड, सोर्स दिखाता हूँ, सोर्स में मैं आपको ले चलता हूँ कंस्ट्रक्टर के पास, मेन फंक्शन दिखाता हूँ, रुक जाओ। मेन फंक्शन और इसका कंस्ट्रक्टर, क्लास का नाम क्या, रुको मैंने पहले पढ़ लेने दो मुझे, क्लास का नाम है, कहाँ गया कंस्ट्रक्टर, किधर है, मैं कंस्ट्रक्टर को ढूंढ लेता हूँ पहले। मिल गया, ऐड फीस नाम का कंस्ट्रक्टर है, अपने आप ये कोड चलेगा। मैं ना एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ डिस्प्ले कैश फर्स्ट नाम का, क्यों मालूम है, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले कैश फर्स्ट नाम का। और ये फंक्शन कॉल कब होगा मालूम है, ये फंक्शन अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे, तो ये कॉल कब होगा ये फंक्शन, जब आप कंस्ट्रक्टर, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, मतलब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो अपने आप ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनने के बाद ये कंस्ट्रक्टर तो अपने आप चलने ही वाला है, ये लाइन अपने आप चलेगी, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा लेकिन ये लाइन चलेगी। बस इधर ही आप लिख दो डिस्प्ले कैश फर्स्ट नाम का फंक्शन, मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले देन कैश फर्स्ट, आई एम राइटिंग डिस्प्ले कैश फर्स्ट फंक्शन एंड कॉलिंग दिस फंक्शन। बट आपने इस फंक्शन को तो कॉल किया, लेकिन यहाँ पे आपको कोड लिखना बाकी है ना, आप यहाँ लिखना क्या चाहते हो, कहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे। अब इस कोड को मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको क्या क्या नहीं दिखाना है, आप अपने डिज़ाइन पे जाओ वापस, मुझे ना ये नहीं दिखाना है। इस पर राइट क्लिक करो, चेंज वेरिएबल नेम से देख लो इसका क्या नाम है, कॉपी कर लो, कॉपी, कॉपी किया, उसके बाद वापस से सोर्स पे आओ, ओके कर लो, सोर्स किधर है, इधर आओ, इधर लिख देता हूँ डॉट। सेट विजिबल नाम का इसके पास फंक्शन होगा,
और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर देता हूँ फॉल्स। नहीं दिखाना उसको, किसको नहीं दिखाना, आप खुद ही समझ सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया कि मुझे ना, नहीं रिसिप्ट नंबर नहीं, ये नहीं दिखाना, किधर गया, अरे 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 ये गया, मेरे को इसके अंदर की चीज़ों को नहीं दिखाना, 1 2 3 4 5 6 लोगों को, तो मैं तो ये गलत कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करो राइट, और चेंज वेरिएबल नेम पढ़ लो, और इसको कॉपी करो, और वहाँ पे वापस से अपने सोर्स में जाओ, और यहाँ पे वो चीज़ लिख लो, और उसके बाद ये वाला इतना कोड कॉपी कर लो सारा का सारा, जल्दी होगा थोड़ा सा, कॉपी 6 चीज़ है ना, पेस्ट 2 3 4 5 6 हो गया, 6 बार पेस्ट कर दिया इस कोड को। उसके बाद पहले लेबल था, लेबल के साथ साथ और क्या क्या है वो देख लेते हैं, डिज़ाइन में आते हैं। डिज़ाइन में आने के बाद इसका लेबल है, राइट क्लिक करो, चेंज वेरिएबल नेम, और डीडी नंबर है ना, कॉपी कर लो, कॉपी किया, ये वाला कॉपी किया, डीडी नंबर भी कॉपी कर ले रहे हो आप, और यहाँ सोर्स में आओ और यहाँ पर लिख दो डीडी नंबर। उसके बाद फिर से डिज़ाइन में आओ, और क्या बच गया, उसके बाद आपका चेक नंबर डीडी नंबर हो गया, यहाँ पे आओ राइट क्लिक करो, चेंज वेरिएबल नेम, उसके बाद चेक नंबर को भी कॉपी कर लो, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद इसको किधर पेस्ट करूँ, वापस से मेरे सोर्स में आता हूँ और यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर देता हूँ, वापस से अपने डिज़ाइन में आता हूँ। डिज़ाइन में आने के बाद ये बचा है डीडी नंबर, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लो, लेबल, इस लेबल को जैसे ही मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से कॉपी, ओके करता हूँ, सोर्स में जाता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। और आपको मैं और भी चीज़ें दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो आप। फिर से डिज़ाइन में जाता हूँ, बैंक नेम पे राइट क्लिक करो, चेंज वेरिएबल नेम में जाओ, इसको कॉपी कर लो। वैसे तो लेबल होता तो भी हम ऐसे ही करते, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कहाँ गया सोर्स, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। और लास्ट वाला जो बचेगा, डिज़ाइन में फिर से जाओ, इस पर राइट क्लिक करो, फिर से चेंज वेरिएबल नेम पे जाओ, इसको यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया, और उसके बाद फिर से सोर्स में जाओ, इसको यहाँ पेस्ट कर दो, हो गया। आप देख सकते हो ये इस तरीके से यहाँ पे ये सब पेस्ट हो चुका है, और मैंने इसको ये कर दिया। एक बार रन कराने की कोशिश करेंगे, रन कराने के लिए मैंने आपको बोला ही है कि आप ऐड फीस पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे रन फाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दो, देखते हैं कोई इशू अगर होगा तो ये बताएगा मुझे, नहीं तो रन हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार क्या प्रॉब्लम है, रन तो हो गया, देख सकते हो आप लोग सब कुछ गायब हो चुका है, कुछ भी नहीं दिखाई। अरे चेक नंबर दिख रहा है अभी, ये गायब हो गया, ये वाला ऊपर वाला, ये कैसे गायब हुआ देख लेता हूँ, रुको, चेक नंबर रह गया, ये गायब हो गया, अच्छा क्लोज करता हूँ। हाँ रिसिप्ट नंबर लिया है क्या मैंने, ओके बराबर है ना, फिर तो डिज़ाइन में जाओ, रिसिप्ट नंबर नहीं चाहिए, ये चाहिए चेक नंबर, राइट क्लिक करो, चेंज वेरिएबल में जाओ, कॉपी करो, कॉपी किया, ओके किया, सोर्स में जाओ, रिसिप्ट नंबर को थोड़ी करना है, ये यहाँ से ये कर लिया सेफ। अब इसको रन करो, कहाँ पे रन का ऑप्शन है, इधर राइट क्लिक करो और यहाँ पे रन का ऑप्शन है, देख लो। अभी कोड क्या करना मालूम अपने को, अरे इस ये विंडो को तो मैं बड़ा कर ही सकता हूँ, बाद में दिखा दूंगा। हाँ अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ डीडी तो ये आ जाना चाहिए, मैं सिलेक्ट करूँ फोन चेक तो ये आ जाना चाहिए, वापस से सब दिखना चाहिए। तो ये भी कोड बाकी है मेरा, तो कहाँ पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए वो तो बचा ही, अभी हमारा आएगा जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसा कर सकते थे, ये जो दिख रहा है ये कलर वाला, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते और जब चेंज करोगे कुछ और तो ये तुरंत नीचे चला जाएगा, ऐसे भी होता है ना, पूरे पैनल को एक जगह से दूसरी, इसके लिए तो पैनल में डाला है मैंने कि एक साथ इस पूरे पैनल को की ही पोजीशन को बदल दी जाए, कर सकते हो, तो ऐसा भी होता है। लेकिन चलो अभी यहाँ तक तो ठीक है, आप देख सकते हो मैंने डायरेक्ट रन कराया और मेरा काम जैसा मैं चाहता था वैसा हो रहा है। ऐसे कई फंक्शंस बनाएंगे और हम कॉल करेंगे, लेकिन अभी हमें एक फंक्शन की ज़रूरत है, गेट सेलेक्टेड इंडेक्स। सेलेक्टेड इंडेक्स क्या है वो निकालो और उसके हिसाब से आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है वो तय करो। तो लगे तो इस पार्ट को यहीं तक देखते हैं, उसको लगे तो अपने अगले पार्ट में देखते हैं। चलिए फिर बाय सबको।